अरविंद मिश्रा, मैं रोडवेज इम्प्लाई यूनियन के वरिष्ठ कर्मचारी नेता हूँ। विरोध कर रहे हैं, कुछ किया है? देखिए, कर्मचारियों का आक्रोश माननीय मोदी जी, योगी जी के आदेशानुसार जो सरकार की व्यवस्था बनाई गई है, यहाँ टेम्परेचर नापा जाता है जिसको थर्मिस्कैन किया जाता है। कर्मचारी हमारे लगे हैं क्षति प्रबंधक के आदेशानुसार, सारा आप देखिए कि बल्ली लगी है, रस्सी लगी है। जो भी यात्री या जो भी बस स्टेशन के अंदर जाए उसका टेम्परेचर नापने के बाद ही अंदर हलाए। हमारा कर्मचारी वही नाप रहा था, सिपाही अपने निजी स्वार्थ में उसको बल्ली डका रहा था, जिससे कर्मचारी ने विरोध किया। सिपाही ने कर्मचारियों को हमारे मारे हैं, पीटे, जो घायल हैं। इससे सारे कर्मचारी आक्रोशित हो उठे। जैसे हम लोग को जानकारी हुई, हम लोग आके यहाँ के सरकार की मंशा के लगभग सतीश चंद्र सिंह, क्या करते हैं आप? हम रोडवेज में चौकीदार हैं। क्या घटना हुआ आपके साथ? हमारे यहाँ का रोडवेज कैंपस में लगा है वो बल्ली लगाई गई स्कैनिंग के लिए, उस गेट पे मेरी ड्यूटी लगी थी। हम लोग वहाँ अपनी ड्यूटी सुबह कर रहे थे, पैसेंजर आते हैं तो उनको इधर वहाँ से वहाँ भेजते हैं। इसके बाद उसी में एक रोडवेज चौकी के दीवान जी आ गए, वो आए, पैसेंजर तो चला गया। इसके बाद वो गाड़ी लगा लिए बगल में और बात भी बात करते करते हाथ छोड़ दिए, मारना शुरू कर दिए। अच्छा, वो रोडवेज चौकी के एक दीवान है, उनका नाम तो मैं नहीं जानता। एक किसान राय सिपाही हैं जिनके द्वारा रोडवेज के कर्मचारी हैं उनके साथ बदतमीजी की गई, अभद्रता की गई। तत्काल हम लोग मौके पर आए और तत्काल प्रभाव से सिपाही को लाइन हाजिर की रिपोर्ट जा रही है, लाइन हाजिर कर दिया गया है और इस पे एग्री हैं कर्मचारी भी, रोडवेज के कर्मचारी भी और आरएम साहब भी। कार्रवाई की जाए तो कार्रवाई की खराब कर दी गई है और चक्का जाम को हटा दिया गया है, रोड इसमें चल रही है। जो भी परेशानी थोड़ी देर के लिए हुई 15-20 मिनट के लिए कर्मचारियों को और क्या कहते हैं यात्रियों को, उसको पूरी तरीके से बहाल कर दिया गया। धक्का मार की बात को बहाल कर रहे हैं, क्या धक्का मार शुरुआत हो गई? हम लोगों ने 50-60 गाड़ियों का चलान किया है, फिर अभियान के तहत जो है फिर गाड़ियों को चलान किया जाएगा जो धक्का मार रूप से खड़ी रहती हैं यहाँ पे आंध्रा पुल पे, चाहे पीछे साइड में, उनके खिलाफ़ जो है अभी 50-60 गाड़ियों का हम लोगों ने चलान किया था, सीज किया था। फिर इसी गाड़ियों का अभियान के तहत जो है इनको भी सीज किया जाएगा और उनको पूरी तरीके से बंद कराया जाएगा।